यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं बबीता और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के चंपा जिले के छोटे से गांव तामली से और यहाँ के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है शाम के बज रहे 5:30 और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है कहीं। तो जब जाएंगे तो आप लोग व्लॉग में देखते रहना, आगे को पता लग जाएगा कहाँ जाना है। मौसम की बात करें तो यहाँ देखो एकदम मस्त वाली धूप लग रखी है। तो अभी भी देखो ऊपर साइड को, आज तो मौसम हल्का हल्का काला होने लग गया ऊपर साइड को, यहाँ को और यहाँ पे, पर क्या पता बारिश आए या ना आए। बाकी खेतों में धान देखो अभी यहाँ तो हुए नहीं है, पर हमारे जो आसपास के गांव है ना नीचे साइड के, वहाँ पे धान हो चुके हैं, काट भी दिए। अभी ना 5:30 से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी और 6:30 हो गया और मेरा भाई अभी तक नहीं पहुँचा यार, और रात भी होने लग गई देखो पीछे को। फाइनली मैं जाने लग गई हूँ यहाँ से, पर मैं ना यहाँ ये वाला सामान यहीं भूल गई है, किसी ने दिया था उनके वहाँ मायके पहुँचाना है। तो दादा तो आ गया है यहाँ से, मतलब इतना घूमने तक घर आने तक तो उसको वो काफी रात हो जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ फिर से सामने पे। और यहाँ पे देखो फिर से पढ़ने वाले बच्चे ट्यूशन से फिर कहते हैं यार तूने वीडियो में ऐसा क्यों बोला, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो अभी मैं पार कर रही हूँ भयानक सीढ़ियों को, मैं तो पहुंच गई हूँ पुल से ऊपर को और मैंने इतनी खतरनाक रेस लगाई है ना अभी, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ रोड में पहुंचने के बाद। तो पहुंच गई हूँ रोड पर, दादा अभी तक पहुंचा नहीं है, मुझे लगा वो यहाँ पहुंच गया इसलिए मैं भाग भाग के आई, पहुंच गई। वाह, रुक जाओ रुक जाओ, यही हूँ। कौन दिखोगे, टेंशन मत लो। अभी पहुंचा हम जिया जी के शॉप में और यहाँ से चलने लग गए इनके गांव को। अभी मैं ना पहुंच गई हूँ भाभी श्री के घर और ये दरवाजा बंद कर दिया उसने, इतनी स्पीड में भाग के गया ना अभी। और देखो भाभी यहाँ नीचे दिया, इनका ना बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि मैं तो चलते चलते थक जाती हूँ, ये है भाड़ में। स्टार्ट हो गया वैसा, पर यहाँ आज मेरे आने का दुख हो रखा है इनको बहुत बड़ा वाला। तो ये बना रहे रोटी, उसके बाद खाते हैं चलो। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ अगले दिन की सुबह से और मैंने नहा धो लिया, मैंने भी नहा लिया, भाभी लोगों ने सबने नहा लिया, पर एक इंसान है जिसने नहीं नहाया वो। आज है 6 सितंबर, 6 सितंबर मतलब एक खास दिन। ये देखो तो मैंने लगा लिया है टीका और मैं पहुंच गई थी इनके घर। आओ यार इधर को, शकल दिखा दो इनके घर। ये हमारे घर 5 दिन रह के गई थी ना, उसका बदला निकाल जाए। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है, इनके तरफ से। और इनके घर में इतने मस्त वाले दिन आई हूँ ना, क्यों बहुत अच्छे दिन आई हूँ इनके लिए, बहुत अच्छा खास दिन है ये। तो अभी हम लोग जाते हैं खेत में, अपने वहां में कभी खेत में नहीं आते, देखो यहाँ आके काम करवा रहे और अभी हम लोग जाते हैं खेत में लहसुन लगा के आते हैं। पर तो देखो बाहर पे हो रहा है काम, आज शाम की तैयारी चल रही है, क्योंकि जितना दिमाग मेरे पास था जितना दिमाग इनके पास था, हम लोगों ने दिमाग लगाया और हमने मतलब हमने वहाँ कर लिया था सारा कुछ, थोड़ा सा बचा था थोड़ा बहुत कुछ करना। पर ये लोग जब अभी आए ना ये गाँव के मतलब बड़े दादा लोग, और इनको वो चीजें पसंद नहीं आई, तो फिर अब ये लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने तो खाली घर की चीजों से किया था, अब ये लोग डंडे वंडों से कर रहे हैं, बांस की डंडियों से। देखो पीछे चल रहा है फोटोशूट। आज हम आए हैं इन ब्लॉगरों के घर में जिन्होंने 1-2 साल से ब्लॉग बंद किए हुए हैं। अब सोच रही थी यार ये लोग अब वायरल होंगे तब मेरा फायदा होगा, ये वायरल इन्होंने ब्लॉग ही नहीं बनाया और वायरल भी नहीं हुए हम लोग। तो चलो फिर देखो मैडम के हाथ में है लहसुन और खन्नी वाला कुदाल, तो अब हम दोनों जा रहे हैं लहसुन लगाने। तो पीछे जो घर दिख रहा है ना वो है इनका घर, ये वाला। यहाँ देखो यहाँ साइड के ना धान भी हो गए, इतनी मस्त खुशबू आ रही है इनकी, वाव। और इनको भाई यहाँ आके सारे रास्ते पता है, गली गली के अंदर अंदर से घुमा घुमा के ले आ रहे। चलो बेटा चलो चलो चलो, अब ये है मडवे का खेत। औरत वाली फीलिंग, जब हमारे घर आए थे ना इनको लग नहीं रहा था कि औरत है, अब यहाँ आगे लग रहा है जब ये सारी चीजें लेके खेत में आई है।
हम लोग हम दोनों पहुंच चुके हैं खेत में, और खेत में पहुंचने के बाद देखो वो तो बैठ भी गए काम करने के लिए, पर यहाँ पे एक पोपट हो गया। हम लोग आए थे लहसुन लगाने, और हमें ये पता नहीं है कि लहसुन लगाते कैसे हैं। तो भाभी कह रही है जैसे तैसे डाल देता है, उगेगा तो ठीक है, नहीं उगेगा तो वो भी ठीक है ना। तो वहाँ पे उन्होंने ना फोन किया है कि कैसे लगाते हैं, क्योंकि दोनों को किसी को नहीं आता है, और वहाँ पे दीदी बता रहे हैं कि कैसे लगाते हैं। हम सोच रहे हैं लाइन खींच के लगाते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं जैसे धान वान बोते हैं। देखो इनका एक दिन का काम हम दस मिनट में करके जाने लग गए घर को। और इनके गार्डन में दिखाती हूँ क्या खतरनाक चीजें लगाई है, और इन्होंने और वो हुई कैसी है वो देखना। और हमने लहसुन तो लगा दिया है, क्योंकि इनको भी नहीं आता था, मेरे को भी नहीं आता, और जिससे हमने फोन करके पूछा उसको भी नहीं आता था। वही सीधी सी बताओ दो, खाली बताया ऐसे ऐसे लगा दो करके, हमने वैसे ही लगा दिया। उगेगा तो ठीक है खा लेंगे, उगेगा तो मेरे लहसुन का नमक पीस के भेज देंगे, नहीं तो हो गया। देखो विश्व की सबसे लंबी भिंडी, इन्होंने भिंडी लगाई, और भिंडी के हाल देखो है, इतनी छोटे पौधे में सिर्फ एक दो ये लगने लग गए। चलो मेहनत कुछ तो रंग लाई, इतने में इन्होंने भिंडी लगाई है। एक खेत में कितनी सारी चीज लगाई है, मेरी लगाई हुई राई। कहाँ है राई? वो, तो राई वो, हाँ ये है राई इनकी लगाई हुई, इसको भी भेजेंगे मेरे लिए। ये है इनका अदरक, अदरक भेज देना, चाय पीऊंगी मैं। अदरक तो हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे होता भी तो ये सब पेड़ ही पेड़ है ना, तो पेड़ के नीचे कम होता है। इधर इनका अदरक है, और यहाँ पे इन्होंने लगाई है मूली, ये छोटे छोटे जो उग रखे हैं। फिर उसके थोड़े से बगल में यहाँ पे लगाए हैं इन्होंने तिल, और मैंने आज पहली बार देखे है तिल, अगर सच्ची बताओ तो, मतलब तिल के पौधे। यहाँ आके मेरे को तिल के पौधे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके उससे। यहाँ पे अभी हम लोगों ने लगा दिया लहसुन, बस हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं घर को, भिंडी भी भेजेंगे मेरे लिए, राई भी भेजेंगे, अदरक भी भेजेंगे, लहसुन का तो खैर नमक ही आएगा। हमारी चाय भी बन गई खेत से आने के बाद, यहाँ पे चाय वाय होने के बाद अब देखो वहाँ पे ककड़ी कट रही है, पहाड़ी ककड़ी हमारे दादा के लिए और मेरे लिए, और जी जिसका फास्ट है सबके लिए जरूरी है क्या लंच, यही लोग करेंगे, हम भी तो कर सकते हैं ना। गई है लंच में ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी। तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, इससे आगे का जो आज रात को यहाँ इनके घर में प्रोग्राम होने वाला जन्माष्टमी का, उसका ब्लॉग अलग बनाएंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।